ओके हाँ जी बेटा, तो कोई फंक्शन है हमारे पास जो कि ए से बी में डिफाइंड है। बेटा ये इसका मतलब सभी को पता है, इसका मतलब क्या होता है? हाँ जी, ये जो मैंने यस अभी सर। लिखा फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब क्या है, कोई बता पाएगा? ए डोमेन का, बी को रेंज का, नहीं बेटे जी, कोई और भी बोल रहा है कि ये बी को हम रेंज बोलेंगे। ए हमारा हो गया ठीक है डोमेन, लेकिन बी क्या है, सेट बी क्या है यहाँ पर? कोडोमेन, बिल्कुल ये हो गया हमारा कोडोमेन। ठीक है, इसको गलती से भी रेंज मत बोलना, ठीक है क्लियर। एंड ये कोडोमेन हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो रहेगा, चाहे डोमेन एंड रेंज दिए हो या ना दिए हो, लेकिन कोडोमेन आपको हमेशा दिया हुआ जाएगा। ठीक है, तो भाई लेट सपोज कि ये हमारा सेट ए, सेट ए है एंड ये हमारा सेट बी है। एंड लेट सपोज कि भाई अच्छा जी, गुड इवनिंग चलिए सर। आपको गुड इवनिंग बेटा। हाँ जी, तो सेट ए में लेट सपोज कि हमारे हम दूसरे कुछ, सर कहाँ चले गए आज? हाँ जी बेटा, आपके दूसरे सर आपसे घबरा गए भाई अभी है बेटा, सर, वो क्या हो गया? कुछ उनको कुछ काम आ गया है एक्चुअली, तो इस वीक में ही आपकी क्लासेस लूंगा। ओके ओके सर। ओके, तो एक वीक झेल लेना ठीक है, नेक्स्ट वीक सर आ जाएंगे आपके। ओके यस सर। हाँ जी, तो लेट सपोज कि ओके, आपको मैं दो केसेस बता देता हूं ठीक है। तो सेकंड, आपको मैं दो केसेस बताता हूं, जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ जी बेटा, तो लेट सपोज कि कोई हमारा एक फंक्शन है जो कि ए से बी में डिफाइंड है एंड आपका जो सेट ए है, हाँ ओके, तो अच्छा रामायण सभी लोगों ने देखी है भाई? हाँ जी, रामायण यस सर, यस सर। ओके, तो रामायण में राम जी के कितने भाई थे, कोई बताएगा? चार थे, तीन राम जी के चार भाई थे? अरे भाई भाई थे, तीन साहब, भाई राम जी मेरे टोटल चार भाई थे लेकिन राम जी के तीन भाई थे। ओके, तो राम लक्ष्मण के तीन है, भरत राम को मिला के एंड चार हुए शत्रुघ्न, ठीक शत्रुघ्न। है। तो भाई चारों यस की सर, एक एक सिंगल सिंगल वाइफ थी है ना, यस सर, है ना, सीता जी एंड उर्मिला जी एंड बाकी के मुझे नाम याद नहीं आ रहे, ठीक है, कोई भी लिखते सर। तो ऐसा कुछ था है ना। तो भाई राम जी की शादी हुई थी सीता जी से, लक्ष्मण जी की शादी हुई थी उर्मिला जी से, भरत जी की शादी हुई थी इनसे एंड शत्रुघ्न की शादी हुई थी इनसे, क्लियर? ओके है ना। तो भाई यस सर, वन वन अगर हम फंक्शन देख रहे हैं तो भाई एक बंदा दूसरे बंदे से रिलेट कर रहा है सिर्फ, एक बंदा सिर्फ एक ही बंदा से रिलेट कर रहा है, ठीक है, कुछ रिलेट कर पा रहे हो बेटा? आपका एक फंक्शन, एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है। हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, ठीक है, तो कहने का मतलब वही है कि अगर सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से अगर कनेक्टेड है, मैप्ड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन बोलेंगे। वन वन ओके क्लियर, हाँ जी फंक्शन। ठीक है। अब सर ये यस वन वन तो हो गया लेकिन मेनी वन कैसे बताओगे? अच्छा जी, मेनी वन के लिए भी मैनी हमारे वन में पास एक हाँ जी, तो रामायण उसके लिए हम कृष्णा जी को ले लेते हैं। ओके कृष्णा जी की भाई हाँ, कितनी वाइफ थी?
सोलह हजार से ज्यादा। 16,000 से ज्यादा, हाँ कुछ इतनी थी, तो इतनी थी भाई। तो कृष्णा जी सभी से कनेक्टेड थे कि नहीं हाँ थे ना भाई? कृष्णा जी सभी से कनेक्टेड थे, राइट? ये वाइफ एंड ये हस्बैंड, ओके। तो कहने का मतलब यहां पर है कि जो सेट ए का एक एलिमेंट है, सेट बी के एक या सॉरी सेट बी के एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्टेड है, ओके। जैसे कि कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि पांडव ओके, भाई दशरथ जी ले लेते हैं, ठीक है। दशरथ जी की भी तीन वाइफ थी, है ना? कौशल्या, सुनेना, क्या क्या थे? के कई, ओके, ठीक है। एंड एक और कौन थी? सुमित्रा, या तो दशरथ जी की तीन वाइफ थी, है ना? और यहाँ पर राम जी को भी ले लेते थोड़ा सा, ताकि हमारा ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो राम जी की थी सीता जी, है ना? क्लियर है? एक सेकंड बेटा। हाँ जी, तो राम जी जो थे वो सीता जी से कनेक्टेड थे, क्लियर? यहां तक क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। तो यहां पर भी वही हो रहा है कि भाई अगर एक बंदा सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक से ज्यादा एलिमेंट से अगर कनेक्टेड है तो वो क्या हो जाएगा? मेनी वन। भाई आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि भाई वन वन मतलब सेट ए का एक एलिमेंट और इधर सेट बी का कितना एलिमेंट, यहां पर भी एक एलिमेंट, ओके, क्लियर है ना? सर अच्छा जी, तो इसको हम थोड़ा सा एक और चीज से समझते हैं, एक सेकेंड। अच्छा, ये सेट ए को मैं क्या बोलता हूँ और कोडोमेन बोलता हूँ ना? सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सेट ए डोमेन को मैं क्या बोलता हूँ? डोमेन, बिल्कुल डोमेन डोमेन। एंड सेट बी को क्या बोलता हूँ? कोडोमेन कोडोमेन, ओके। तो अगर जैसे कि एस क्या है, एस जो है वो आर का इमेज है सेट बी में, राइट? अरे है या नहीं है? अगर मैं ये जो फर्स्ट एग्जांपल लूँ यहाँ यस सर। पर, तो ये एस क्या है? आर का इमेज है, राइट? ये याद है ना बेटा कि इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है? भाई एस जो है वो आर का इमेज है एफ में, ओके। आपके पास एफ कोई फंक्शन है, उसमें अगर आर डालोगे तो उसकी इमेज क्या मिलेगी आपको? एस मिलेगी, ठीक है, क्लियर? तो एस जो होता है हमारा, सॉरी, जो एस जो होगा वो क्या होगा? हमारा इमेज। एंड आर क्या होगा बेटा? प्री इमेज। यस ये क्लियर है सभी लोगों को? हाँ जी, क्लियर सर। है? यस सर। अच्छा जी, तो अब भाई इसको हम थोड़ा सा क्या उल्टा देखते हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ पर जो सेट बी के जो एलिमेंट है वो उसका एक एलिमेंट सेट ए के एक एलिमेंट से मैप्ड है, कनेक्टेड है, क्लियर, ओके, यस सर। यस सर। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप मेनी वन की अगर आप बात करोगे तो सेट बी में बहुत सारे एलिमेंट सेट ए के एक एलिमेंट से कनेक्टेड है, समझ में आ रहा है? यस सेट बी के सर। बहुत सारे एलिमेंट सेट ए के कुछ एलिमेंट से कनेक्टेड है, ये क्लियर है सभी लोगों को? जैसे भाई यहाँ पर कृष्ण जी थे, यस कृष्ण जी की 16,000 से ज्यादा वाइफ थी, तो वो सारी वाइफ सेट बी में आएगी, तो बहुत सारी वाइफ एक की, बहुत सारी जो है लेडीज वो किसी एक बंदे की वाइफ है, वो एक बंदे से कनेक्टेड है, समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना, यस सर। यस सर। क्लियर हुआ है? भाई अगर सेट बी यस के बहुत सारे एलिमेंट सर। सेट ए के कुछ एलिमेंट से, एक एलिमेंट से, सॉरी, सेट बी के बहुत सारे एलिमेंट सेट ए के किसी एक एलिमेंट से कनेक्टेड हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेनी वन, क्लियर है?
अच्छा जी, तो अच्छा चलिए मुझे ये एग्जांपल बता दीजिए फिर कि ये कौन सा वाला फंक्शन है। वन वन है, वन वन क्यों है बेटा? क्योंकि इसमें एक से एक कनेक्ट है, सेट यूनिक इमेज है। बिल्कुल। अच्छा तो सेट ये वाला बता दीजिए, आराम से बताइएगा सोच के, गलत नहीं होना थर्ड चाहिए। हाँ जी, वाला हाँ जी बेटा, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये थर्ड वाला ये कहाँ है यहाँ पर बेटा? ये फर्स्ट है एंड ये सेकंड है। सेट ये जो आपका फंक्शन है डिफाइंड है वो बताइए, ये वन वन होगा कि मेनी वन होगा? मैनी वन है सर, मेनी वन क्यों है बेटा? वन देखो ना ये तीन के साथ कनेक्ट है वन है सर, सर ये बेटा, वन 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 ही है ये भी। नहीं है। भाई सेट बी में देखिए कि सेट बी के कितने एलिमेंट सेट ए के एक एलिमेंट से कनेक्टेड हैं। तो भाई फर्स्ट वाले में अगर हम देखें तो ये अगर एलिमेंट है, बी का एक एलिमेंट सेट ए के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, ये भी एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है, ये भी एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है। अब अगर सेकंड में हम सेकंड एग्जांपल में हम देखें तो इधर भी जो ये है वो सेट ए के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, सेट बी में जो है वो भी सेट ए के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, और थर्ड वाला भी जो है सेट ए के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो सर ये दो जो है इनका कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये नहीं है किसी से भी कनेक्टेड तो हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? बस यहाँ पर सेट ए का एक ही एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए बी के, इससे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि बी में कितने बच्चे हैं जिससे जो कि किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। क्लियर है सभी लोगों को? यस ओके, तो ये दोनों क्या है? वन वन फंक्शन है। कौन से फंक्शन है? वन वन फंक्शन। वन ओके क्लियर सभी लोगों को? हाँ जी यस ओके। अच्छा जी, तो सर फिर मेनी वन को कैसे देखेंगे हम? तो मेनी वन फंक्शन का क्या होगा कि बहुत सारे सेट बी के एलिमेंट सेट ए के एक एलिमेंट से कनेक्टेड होंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कोई फंक्शन ए टू बी में डिफाइंड है, इज सेट टू बी मेनी वन फंक्शन इफ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए हैव द सेम एफ इमेज इन बी। ओके, इसका मतलब हमारे पास भाई कोई दो सेट है ऐसे भी, ठीक है, ओके तो भाई लेट सपोज कि ये जो है ये एलिमेंट ऐसे कनेक्टेड है एंड ये इससे कनेक्टेड है, अरे ओके, एंड ये इससे कनेक्टेड है, तो बताइए कि ये कौन सा फंक्शन है? हाँ जी, मैनी वन मेनी वन। मेनी वन क्यों? क्योंकि सेट सर, बी में पहले दो एलिमेंट ए के जो है वो बी से एक से कनेक्ट है। बिल्कुल भाई, यहाँ पर जो ये सेट बी का जो एक ये जो एलिमेंट है ये दो से कनेक्टेड है। क्लियर है? ओके, सर आपने या पहले फिर बताया अगर आपको ये डेफिनेशन के थ्रू जाना है कि इफ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए हैव द सेम इमेज सेम एफ इमेज इन बी, तो ये ए टू या फिर दो से ज्यादा, तो यहाँ पर दो एलिमेंट आपको ऐसे दिख रहे हैं जो कि बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड हैं। हाँ जी है ना, यस सर। तो मेनी वन के लिए अगर मैं आपको एग्जांपल देखूं तो पांडवा को देख लो, पांडवों को देख लो, ठीक है भाई, जो पांचों पांडव थे वो किससे कनेक्टेड थे? हाँ जी, द्रौपदी से कनेक्टेड थे है ना, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव, ये पांचों किससे कनेक्टेड थे? द्रौपदी से कनेक्टेड थे, अरे थे कि नहीं, है ना? तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? मेनी मैंने वन वन फंक्शन। क्लियर? पूछा हाँ जी, क्लियर है सभी लोगों को? यस सर यस सर अच्छा जी,
अच्छा मुझे एक एग्जांपल बता दो यार कि सर, हाँ जी बेटा मैथ्स वाले सर बोल रहे हैं कि मेरे को भी ग्रुप का लिंक भेज दो। कौन से सर बोल रहे हैं? सर मोदी सर बोल रहे हैं मैथ्स की, कि मेरे को भी लिंक भेज दो। नाम मैं भूल गया। प्रवीण सर बोल रहे हैं। अरे भाई साहब सर अरे ये स्पेशल डिमांड पे आए हैं, ये दिव्या की सर स्पेशल डिमांड पे ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा जी प्रवीण सर ओके यस सर। सर ये दिव्या ने भी प्राइवेट मैसेज किया सर को कि सर प्लीज आ जाओ क्लास में। भेजू मैंने को बोला सर को स्क्रीनशॉट भेजू। अरे भाई साहब उनको छुट्टी मनाने दो यार, उनको डिस्टर्ब मत करो ओके वो अभी क्लास पे है, अगर वैसे उनके पास है लिंक अगर। सर वो मैसेज कर रहे हैं, बोलते कि लिंक भेज दो। अच्छा जी ओके चलिए मैं बात कर लूंगा उनसे, आप इधर ध्यान दीजिए ठीक है। ओके सर, ओके। ओके हाँ जी तो मुझे बताइए कि एक सेकंड बेटा ओके okay. ठीक है ओके okay. अच्छा जो द्रौपदी थी हमारी, अगर वो सेट ए में आ जाए एंड जो पांचों पांडव है युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव, तो कौन सा फंक्शन होगा ये कोई बता सकता है? ये क्या होगा बताइए मुझे। रेनी वन फंक्शन ही नहीं है मैनी सर, फंक्शन ही नहीं है ये, रेनी फंक्शन डिफरेंट फंक्शन तो इमेजेस आ गई हैं एक ही। बिल्कुल ये फंक्शन नहीं है, कितने लोगों ने बताया भाई ओके okay. हमारे पास तीन लोग हैं, चार लोग हैं ओके okay. बिल्कुल ये फंक्शन ही नहीं है भाई, ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेट ए के एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज बन गई, ऐसा थोड़ी होता है फंक्शन में, होता है क्या ऐसा? नहीं होता है फंक्शन ना नो सर ओके okay? तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो मेनी वन और वन वन तो छोड़ो, ये फंक्शन ही नहीं है। क्लियर है सभी लोगों को? यस ओके सर। यस सर। ओके चलिए जी ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मेनी वन के कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लेते हैं कि भाई देखिए यहाँ पर जो तीन एलिमेंट्स हैं वो सेट। हाँ जी बेटा अंकिता सर को भेज दो सर, मैसेज कर रहे हैं। अरे ओके सर एक बार फर्स्ट स्लाइड जो आपने बनाई थी उसको शो करना, कौन सी स्लाइड बेटा? फर्स्ट वाली। ये वाली बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन इससे आगे यही। सर, इससे आगे। सर हाँ जी बेटा ये वाली, क्या डाउट क्या देखो बेटा देखो आपको? इसमें सर मैनी वन है ना, देखो इसमें एक के आपने कितने बनाए हुए हैं, तो हाँ जी ये बेटा भी तो तो ये मेनी वाली फंक्शन तो है, मैंने लिख रखा है ना इधर ऊपर, दिख आपको सर। दिखा नहीं इधर? अभी तो आपने बोला द्रौपदी और पांडव वाला कि वो है ही नहीं, फंक्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे कैसे हुआ? अच्छा एक सेकंड मैं वही चेक कर रहा था एक सेकंड। सर जब आप स्टार्टिंग में पढ़ाते थे थोड़ा सा अलग करा दिया आपने ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल या जस्ट सॉरी बेटा या रियली सॉरी या आई थिंक थोड़ा सा इधर उधर हो गया वो एग्जांपल। ओके 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 थैंक यू सो मच ओके या थैंक यू बेटा फॉर नोटिसिंग इट, अदरवाइज ब्लंडर हो जाता। ओके हाँ जी तो मेनी वन में क्या होगा? हाँ जी मेनी वन में क्या होगा? हेलो तो एक अरे ही आवाज मतलब ए में ज्यादा बन सकती है बी से, तो बिल्कुल मतलब एक ही इमेज की डिफरेंट 3 इमेज होंगी, 3 इमेजेस बिल्कुल होंगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई
यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो बिल्कुल जो पांचों पांडवों का जो हमने केस लिया था वो हो जाएगा राइट। तो हमने पांचों पांडव कौन कौन से लिए थे भाई? युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव, और ये द्रौपदी से कनेक्टेड थे। ठीक है, तो ये किसका केस हो जाएगा हमारा? ठीक है भाई, क्लियर? ओके अभी ठीक है? ठीक है जी, चलिए आगे सही था बिल्कुल। हाँ जी आगे सही है। ओके ठीक है। हाँ जी तो ये वाला देखते हैं। तो भाई यहाँ पर सेट ए में तीन एलिमेंट है हमारे पास राइट, एक ही नहीं है है ना, और वो जो है दो एलिमेंट से कनेक्टेड हैं। लेकिन यहाँ पर सेट ए में दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है राइट, है ना। तो भाई वही हो गया कि दो में कुछ सेट ए में दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मैनी वन। या फिर जैसे हमने देखा था कि सेट बी का आप देखिए कि एक से ज्यादा प्री इमेज है। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये तो हो गया हमारा इमेज, एंड ये क्या है हमारा? प्री इमेज। ठीक है, तो भाई सेट बी में जो ये वाला एलिमेंट है जिसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं, उसके कितने प्री इमेज हैं? दो प्री इमेज है राइट, क्लियर? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? मेनी वन हो जाएगा। ओके ठीक है भाई। यस सर। एंड उससे फर्क नहीं, सेकंड एग्जांपल जो है आपका, इसमें आपके दो जो ऐसे पॉइंट है जिसका किसी के साथ मैपिंग नहीं है, जो किसी के साथ मैप्ड नहीं है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ वो देखना है कि जो है, सबसे पहले तो वो देखना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो ये फंक्शन है, क्यों है? क्योंकि जो सारे एलिमेंट्स है उनकी लाइक दो, जस्ट अ सेकंड, दो या सॉरी दो या दो से ज्यादा एक ऐसे एलिमेंट नहीं है जिनकी कि सेट सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, या कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है सेट ए में जिसकी सेट बी में ज्यादा इमेजेस हों। ओके, जैसे कि हमारा ये वाला केस था, इसके एक से ज्यादा इमेजेस थे तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं था। लेकिन क्या ये फंक्शन है? यस सर। यस है ना, ये फंक्शन है। हाँ जी बेटा बिल्कुल, तो ये फंक्शन है। तो अब हमें देखना है कि ये कौन सा वाला फंक्शन है, वन वन है या मेनी वन है। तो कैसे देखेंगे? क्यों? क्योंकि भाई ये सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट मुझे दिख रहा है जिसकी दो या दो से ज्यादा प्री इमेजेस है। ओके क्लियर? यस सर। सभी लोगों को क्लियर है बेटा? यस सर। ओके चलिए जी, ठीक है। तो भाई ये तो डिफाइन करने का एक तरीका हो गया। ठीक है, हम और तरीकों से भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट ओनली वन पॉइंट। अच्छा जी, तो कोई भी एक आप ग्राफ ले लीजिए, जैसे कि वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ सभी को आता है। हाँ जी यस सर। अरे आता है कि नहीं आता है? अच्छा कैसे बनता है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ? सर फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। सर फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। बिल्कुल, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो ऐसा कुछ आपका वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस कहाँ रही हमारी? ये रही एक्स एक्सिस, ये रही हमारी वाई एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई भी, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दी। ठीक है, तो अगर ये जो ग्राफ है हमारा उसको एक पॉइंट पर ही कट करती है तो ये कौन सा फंक्शन होगा? वन वन होगा। अच्छा कोई बता सकता है कि ये क्यों काम कर रहा है? हाँ जी, कोई बता सकता है कि ये क्यों काम कर रहा है, कि ये वन वन फंक्शन क्यों हो गया? किसी के दिमाग में आया ऐसा क्वेश्चन? अरे बोलो। क्योंकि एक ही प्री इमेज की एक ही इमेज है। बिल्कुल आप सही हो, बिल्कुल भाई। देखिए
अगर इस पॉइंट पर मैं डोमेन देखो भाई, एक्स एक्सिस क्या होती है आपकी, बेसिकली डोमेन होता है ना, अरे होता है कि नहीं? यस सर। एंड वाई एक्सिस क्या होती है आपकी? कोडोमेन। कोडोमेन बिल्कुल, कोई रेंज मत बोल देना भूल गलती से, ठीक है। तो वाई एक्सिस क्या होती है आपकी? कोडोमेन, ठीक है। तो अगर एक्स में हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट है, ए एलिमेंट है, ठीक है, तो उसकी इमेज क्या है, लेट सपोज बी इमेज है, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा, ए कोमा बी पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही हम कर रहे थे राइट, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ी थी उसमें ऐसे ही किया था ना भाई? यस सर, है ना। तो ए कोमा बी जो है, ओके, तो सेट ए में जो एक एलिमेंट है हमारे पास वो क्या है, स्मॉल ए, और सेट बी का एलिमेंट है स्मॉल बी, ठीक। तो ए की एक ही इमेज है जो कि बी है, राइट, हमने यही पढ़ा था वन वन फंक्शन में। यस सर, है ना, कि भाई यहां पर हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है, क्लियर है? अरे हाँ या ना बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके ठीक है, तो अच्छा जी, आप चाहो तो इस लाइन को कहीं पर भी ले जा सकते हो भाई, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, दूसरे कलर से कर लेते हैं, आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, पूरे ग्राफ पर कहीं पर भी। अगर आपको पूरे ग्राफ में कहीं पर भी ऐसे पॉइंट मिल गए जो कि जहां पर कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ग्राफ को दो बार कट कर रही है, तो वो फिर वन वन नहीं रहेगा, वो मेनी वन हो जाएगा। लेकिन इस ग्राफ में आप कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करो, वो कितनी बार कट करेगी, सिर्फ एक ही बार कट कर रही है, राइट, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो ये कौन सा हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है लेकिन हमारा, कि इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोर देन वन पॉइंट, कि भाई एक से ज्यादा पॉइंट पर उसने कट कर दिया, तो कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि y इक्वल टू x स्क्वायर को ले लिया भाई हमने, ठीक है। तो y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, कैसा शेप बनता है? पैराबोलिक, अपवर्ड पैराबोला, बिल्कुल। तो ये u शेप का आपका ग्राफ बनता है ना, राइट? यस सर। ओके ओके, तो भाई इस पे आप अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे कहीं पर भी, तो वो कितने पॉइंट पर कट कर रही है, यहाँ पर दो पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? मेनी वन। मेनी वन, अच्छा मेनी वन क्यों हो रहा है भाई, मेनी वन क्यों हो रहा है? हाँ जी, एक एक वाई की इस पे दो इमेजेस आ रही है, बिल्कुल भाई, एक दो इमेजेस नहीं बेटा, दो प्री इमेजेस आ रही है, बिल्कुल भाई। लेट सपोज ये एक्स वन वैल्यू है और ये एक्स टू वैल्यू है, तो दो x की वैल्यू पर y की सिंगल वैल्यू आ रही है भाई। अगर इसको मैं आपको मैपिंग के जरिए बताऊं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपके दो एलिमेंट है a सेट में, एंड सेट b में दो एक एलिमेंट है, तो दो की सेम इमेज बन जा रही है, तो ये क्या होगा? हाँ जी, ये क्या हो जाएगा, मेनी वन। क्यों मेनी वन? क्योंकि एक y b सेट के एक एलिमेंट की दो प्री इमेजेस बन रही है, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, मेनी वन फंक्शन, क्लियर है? यस सर। यस सर। हां जी, अभी तक कोई डाउट किसी को भी? नो सर। ओके जी, ओके, आगे बढ़े? यस सर। अच्छा, मुझे कुछ और एग्जांपल बता दीजिए, जैसे कि आपका sin x हो गया, y इक्वल टू साइन एक्स हो गया, तो साइन एक्स का ग्राफ आता है बेटा आप लोगों को? यस सर। कैसा बनता है? वन और माइनस वन के बीच, बिल्कुल वन और माइनस वन के बीच में सर, जस्ट लहरें उठा दो सर। यस सर। तो हमने ये लहरें बना दी, कुछ इसी तरीके से आएगा है ना? yes. ओके ठीक है, ये ऐसे ही नेगेटिव एक्स में भी बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है।
एंड ये माइनस वन से वन के बीच में बन जाएगा, क्लियर है? ओके जी, तो अब आप इसमें कहीं पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, तो वो कितनी बार कट करेगी इसको? मेनी टाइम्स, है ना भाई? ये हमने कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दी y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x एक्सिस के पैरेलल लाइन का हम नाम क्या नामकरण कैसे करते हैं? y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि इस पूरी लाइन के ऊपर क्या कॉन्स्टेंट रहता है? y की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है ना? ओके yes, ओके okay? yes, okay. तो भाई कहने का मतलब वही है कि बहुत सारे x की एक ही y वैल्यू आ गई, ओके okay? तो दैट्स वाई इट इज मेनी वन फंक्शन। तो साइन x ही नहीं, आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा, वो सारे के सारे कैसे हैं? मैनी वन फंक्शन है, क्लियर? यस सर, ओके, अच्छा जी। लेकिन भाई यहाँ पर y इक्वल टू साइन एक्स सिर्फ मैंने इतना ही लिखा है, तो इसका जाहिर सी मतलब है कि ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड है r टू r में, ठीक है? तो आपका जो वन वन और मैनी वन, ये काफी हद तक जो है, काफी हद तक क्या, इस पूरे का पूरा डोमेन एंड को डोमेन के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि भाई अगर इसका मैं डोमेन अगर रिस्ट्रिक्ट कर देता, डोमेन अगर मैं बोल देता कि भाई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में बताओ, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में कैसे बनता है इसका ग्राफ? ऐसे ही बनता है। yes, ये हो गया आपका माइनस पाई बाई टू एंड ये हो गया आपका पाई बाई टू, ठीक है? पाई बाई टू पर वैल्यू आ जाती है वन एंड माइनस पाई बाई टू पर वैल्यू क्या आती है बेटा? माइनस का वन आता है। अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बेटा दिख रहा है ये या फिर ज्यादा छोटा बना दिया मैंने? नहीं सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। एक सेकंड, ओके, सो पाई बाय टू एंड माइनस पाई, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये ऐसा बनेगा? यस सर। बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? बनेगा, है ना? तो अब मुझे बताइए कि ये वन वन है या मेनी वन है? वन वन, वन वन है, क्योंकि आप कहीं पर भी आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, वो कितनी बार कट करेगा इसको? सिर्फ एक ही बार कट करेगा। तो ये क्या है? वन वन, ठीक है। इसका डोमेन क्या है? डोमेन है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है भाई, क्लियर है? तो आपका जो वन वन होगा कि मेनी वन होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपका डोमेन क्या है, आपका कोडोमेन क्या है, क्लियर? यस सर, यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर, यस। ओके, तो भाई हमारे पास एक और नोट पॉइंट है, क्या है? एनी कंटीन्यूअस फंक्शन व्हिच इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन होल डोमेन इज वन वन। अच्छा, मतलब क्या है सर इसका? पढ़ने में तो अच्छा लगा लेकिन मतलब समझ भी नहीं आया। किसी को समझ में आया मतलब? हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं, इधर देखिए। इसका मतलब ये है कि भाई कोई भी का कोड इंक्रीज ही हो रहा है या फिर ऑन हाँ बेटा, केशव बोल रहे हो बेटा? आपकी आवाज मुझे ही नहीं आ रही है या फिर किसी को नहीं आ रही है? आ नहीं रही सर, किसी को भी नहीं आ रही, नहीं आ रही। ओके, हाँ जी, तो केशव आई थिंक, चलिए कोई बात नहीं, इधर देखिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कोई बढ़ते ही जा रहा है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब कोई घटते ही जा रहा है। भाई कोई एक ऐसा बंदा है, जैसे कि भाई मैं ही मेरी बात कर लेता हूँ, टेंथ में भाई लेट सपोज मेरे मार्क्स आए 80%, नाइन्थ में आए मेरे 90%, टेंथ में आ गए 100%, तो मेरे परसेंटेज हमेशा बढ़ते जा रहे हैं ना भाई, बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं बढ़ते जा रहे हैं? तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि मेरे जो नंबर्स मार्क्स है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, करेक्ट? ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब वही है कि हमेशा बढ़ते जाना, घटना नहीं होता है, ठीक है? वो कुछ एक पॉइंट्स पर कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है मतलब जैसे कि भाई लेट सपोज मेरे 10th में 90% है, 10 है ना, 11th में 95 हुए एंड 12th में वापस से 95% आ गए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं डिक्रीज कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं इंक्रीज ही कर रहा हूँ, बस कुछ एक पॉइंट्स पर मैं रुक गया हूँ, सेम कांस्टेंट हो गया हूँ, ठीक है? लेकिन वो ज्यादा पॉइंट्स के लिए नहीं होना चाहिए। ज्यादा पॉइंट्स के लिए मतलब कि भाई दो मतलब एक से ज्यादा पॉइंट पर अगर हो गया तो फिर वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, क्लियर है उस डोमेन में? ओके, थोड़ा सा मैं आपको विजुलाइज करवाता हूँ तो आपको ज्यादा लाइक समझ में आएगा।
भाई जैसे कि y इक्वल टू अगर x का आप ग्राफ देखोगे तो क्या होगा कि भाई y इक्वल टू x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है ना? यस सर। तो अच्छा कोई ग्राफ में मैं कैसे देखता हूँ कि ये इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, कैसे देखूंगा ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? भाई पहले डिक्रीज था फिर इंक्रीज हुआ। अरे बेटा ये हमेशा इंक्रीजिंग ग्राफ है, हम अगर हमें देखना है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो हम कैसे चेक करते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चेक करिए बेटा ये ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? ऊपर जा रहा है, है ना, ऊपर जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग हो जाएगा। और अगर आप y इक्वल टू माइनस x की ग्राफ बात करोगे तो ये ऐसा कुछ आपका ग्राफ बनता है। तो अब मुझे बताइए कि ये इंक्रीजिंग ग्राफ है कि डिक्रीजिंग ग्राफ है? डिक्रीजिंग ग्राफ। हाँ जी डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है क्लियर है भाई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखता आया कि हम किस तरह से देखते हैं, क्लियर है? यस सर। आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का यही मतलब होता है कि ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, ठीक है भाई। जैसे कि अगर मैं y इक्वल टू x क्यूब की अगर मैं बात करूं तो वो अभी एक्चुअली आपको ठीक है उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो अच्छा जी आपने डेरिवेटिव का नाम सुना है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Actually, derivative method ही बोलते हैं, यहाँ पर मैंने नोट पॉइंट में डाल दिया है। और पिछली वाली मेथड कौन सी थी आपकी, ग्राफिकल मेथड वाली कौन सी मेथड है आपकी, ग्राफिकल मेथड, क्योंकि आप ग्राफ बनाकर यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। और ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डेरिवेटिव से कैसे कनेक्टेड है सर, तो वो मैं बताता हूँ आपको। तो अच्छा मुझे कोई बताएगा कि डेरिवेशन डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना भाई सर, कोई बड़ी चीज है उसको छोटी छोटी चीज में तोड़ना, उसका नाम डिफरेंशिएशन, स्लोप का पता करना, स्लोप। ओके ये आपने सही आंसर किया। डेरिवेटिव का मतलब स्लोप, ओके। अच्छा और क्या मतलब होता है इसका, डेरिवेटिव का लाइक डेफिनेशन पता है किसी को? अरे भाई आपने वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चेंज लाइक कैलकुलेट किया होगा ना फिजिक्स में? यस सर। तो कैसे करते थे, अच्छा जी चलो मैं बता देता हूँ आपको भाई, डिफरेंशिएशन का लाइक जो डेफिनेशन होता है वो होता क्या है, अगर एक सिंगल लाइन में आपको मैं बताऊं तो क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ, अभी के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा रेट ऑफ चेंज बात कर लेते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज कि जो आपका चेंज हो रहा है उसकी रेट क्या है, जैसे कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसी को तो हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, ये बोलते हैं ना भाई कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उस रेट को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, राइट? अरे हाँ या ना? ओके तो डेरिवेटिव का मतलब समझ में आया, स्लोप या फिर रेट ऑफ चेंज। अच्छा सर ये डेरिवेटिव तो डिवाइड बाय डीएक्स होता है, ये स्लोप से कैसे कनेक्टेड हो गया, यहाँ पर डीवाई बाई डी एक्स एम से कैसे कनेक्टेड हो गया? तो अच्छा जी तो एम को आप क्या बोलते थे, और एम इक्वल टू क्या होता था स्ट्रेट लाइन में, हमने क्या पढ़ा था एम इक्वल टू व्हाट, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में टेन थीटा होता था, टेन थीटा होता था बिल्कुल। तो ये y2 माइनस y1 को मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा y और डेल्टा x, इसको लिख सकता हूँ, क्लियर है? तो भाई मैंने क्या बोला था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तो ये डेल्टा y बहुत छोटा हो जाता है एंड डेल्टा x भी बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये बहुत छोटा हो जाता है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा कि अगर लिमिट, फिर अभी लिमिट
का रहने देते हैं इसको। अगर ये बहुत छोटा है वेरी स्मॉल, ये क्या है वेरी स्मॉल, अगर ये दोनों चीजें बहुत छोटी हैं तो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, डीवाई बाई डी एक्स से। क्लियर है बेटा? Yes, अगर डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स मतलब इन दोनों का डिफरेंस, वाई टू माइनस वाई वन का डिफरेंस और एक्स टू माइनस एक्स वन का डिफरेंस बहुत छोटा है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डीवाई बाई डी एक्स बोलूंगा। क्लियर? ओके सो एंड इसको मैं ही क्या बोलता हूं, टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा का, अच्छा टेन थीटा, लेकिन सर टेन थीटा मतलब फिर इसका क्या करोगे सर? तो अच्छा टेन थीटा का पूरा नाम पता है किसी को? ये तो उसका निकनेम है टेन थीटा। हाँ जी, टेंजेंट, बिल्कुल टेंजेंट। तो भाई बेसिकली टेंजेंट की अगर हम बात करें तो टेंजेंट की हम एक ही चीज बात कर सकते हैं, स्लोप, कि उस लाइन का स्लोप क्या है, क्योंकि कोई भी लाइन है उसका स्लोप हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। यस सर, है ना भाई, कोई भी लाइन है उसका स्लोप कहीं भी कहीं पर भी देख लो आप, उसका स्लोप हमेशा सेम रहता है। सर ने रुकने को बोला।
Am I audible, beta? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So beta, I think my network just lost. Yeah. So, हाँ जी बेटा हम कहाँ थे? सर tan theta tangent पढ़ा रहे थे. Okay okay बेटा looking very strange. Okay yeah. हाँ जी तो like tangent का हम क्या use करते हैं? Slope use करते हैं. ठीक है तो that's why derivative is what slope. Okay तो अभी like slope पहले हमने क्या पढ़ा था कि भाई स्ट्रेट लाइन का ही हमने स्लोप पढ़ा था राइट है ना. हेलो बेटा. यस सर. आप लोगों को ओके हमने बेसिकली क्या देखा था कि स्ट्रेट लाइन का ही सिर्फ स्लोप होता है लेकिन अभी अब हम क्या बोल रहे हैं कि आप कोई सा भी कर्व लेके आ जाओ हम उसका स्लोप निकाल देंगे. कैसे निकालेंगे उसका स्लोप? हाँ जी अरे बोलिए. डिफरेंशिएशन करके. बिल्कुल डिफरेंशिएशन करके उसका डिवाइड बाय डीएक्स निकालिए आप उसको करके. बेटा दोनों का मतलब वही होता है डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएट. ठीक है उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए या फिर डिफरेंशिएशन कर दीजिए उसको तो क्या होगा कि आप उसका जो है स्लोप निकाल दोगे. क्लियर. तो अच्छा सर ये डेरिवेटिव की बात कहां से आ गई? तो ओके तो ये जो आपका जस्ट अ सेकंड हाँ जी तो मैंने क्या बोला था कि अरे हाँ जी तो यहां पर क्या बोला गया था कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है तो वो जो है वन वन होगा. तो हम ये इंक्रीज और डिक्रीज का कैसे करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हाँ जी अरे बताइए. लेफ्ट टू राइट देखेंगे. बिल्कुल लेफ्ट टू राइट देखेंगे लेकिन क्या भाई देखिए अगर भाई जैसे कि अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है ठीक है स्लोप पॉजिटिव है तभी वो जो है इंक्रीज करेगा. ओके भाई जैसे कि अगर मुझे इंक्रीजिंग के लिए देखना है कि कोई फंक्शन अगर इंक्रीज कब होगा तो मैं क्या करूंगा कि मेरा जो डिवाइड बाय डीएक्स है जो स्लोप है उसको क्या करूंगा जीरो से बड़ा कर दूंगा तो ये इंक्रीज कर जाएगा. अच्छा ऐसा क्यों? हाँ जी ऐसा क्यों होता है कोई बताना चाहेगा? हेलो. यस सर. अगर कोई इंक्रीजिंग है फंक्शन तो उसका डिवाइड बाय डीएक्स पॉजिटिव क्यों आता है कोई बता सकता है? अच्छा जी चलिए कोई बात नहीं देखिए क्योंकि वाई की वैल्यू बड़ी होती है. वाई की वैल्यू बड़ी होती है ठीक है लेकिन उससे क्या सोचो बेटा. चलिए इधर देखिए अगर डिवाइड बाय डीएक्स पॉजिटिव है मतलब स्लोप पॉजिटिव है राइट है ना. अरे हाँ है ना. तो tan थीटा भी पॉजिटिव होगा होगा कि नहीं भाई स्लोप ही m की वैल्यू तो tan थीटा होती है ना. अरे हाँ है ना. ठीक है तो tan थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है बेटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट एंड थर्ड. फर्स्ट एंड थर्ड में होता है ना. लेकिन हम जो यहाँ पर थीटा का लाइक डिस्कशन कर रहे हैं वो जीरो से 180 डिग्री तक ही कर रहे हैं. अच्छा ऐसा क्यों सर? भाई जैसे कि आपको दो लाइंस चाहिए है ना भाई या तो आपको दो लाइंस चाहिए तभी तो आपका एंगल बनेगा राइट. तो अब ये एंगल जो है अगर मैं बढ़ाते जाऊं ये अब जाके 180 डिग्री हो जाएगा होगा कि नहीं? यस सर. यस सर है ना. और तो ये तो जो हो गया ये 180 डिग्री तक हो जाएगा आपका. ओके ठीक है लेकिन अगर मैं किसी इस लाइन को जो है ये अभी एक्यूट एंगल है ठीक है ये अच्छा ये कितना एंगल है कोई बताना चाहेगा? राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल सॉरी या एंड
ये जो है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट है कि नहीं? यस सर, है ना। और अगर ये दोनों लाइन अपोजिट हो जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा 180 डिग्री, ओके। लेकिन अगर इसको अब मैं, हाँ जी, इसको अगर अब मैं और आगे घुमाऊं तो क्या होगा? अब कौन सा ये वाला एंगल कौन सा बताओगे आप? रिफ्लेक्सिव, ओके। लेकिन भाई देखिए, अब मैं इतना घूम के इतना तो नहीं बताऊंगा। जनरली अगर कोई मुझसे ऐसे लोकल में आके पूछेगा कि ये कितना एंगल होगा, तो मैं ऐसे पूरा घूम के तो नहीं आऊंगा। मैं क्या करूंगा, इधर क्लॉकवाइज काउंट कर लूंगा इसको, है ना? अरे हाँ, है ना? यस सर, है ना। तो भाई अगर कोई ये 200 डिग्री बन रहा है तो ये 160 डिग्री बनेगा, है ना। तो ये यहां से मैं काउंट कर लूंगा ना भाई, मैं इतना घूम के क्यों आऊंगा 200 डिग्री? मेरे को तो पास 160 डिग्री पड़ रहा है, तो मैं यहां से आ जाऊंगा। तो ये 160 डिग्री मैंने कर दिया, ठीक है, क्लियर है। तो ये वापस से 160 डिग्री आ गया, तो फिर मुझे क्या मतलब आ गया इसका, है ना भाई? कोई मतलब नहीं बैठा ना इसका, तो क्योंकि भाई 160 डिग्री हमने यहां पर भी काउंट किया था, किया था कि नहीं किया था भाई? कोई एक ऐसी सिचुएशन होगी ना जब यहां पर भी 160 डिग्री बन रहा होगा, हाँ या ना? यस सर, ओके। तो बेसिकली हम जो हमारा थीटा लेते हैं वो कहां से कहां तक लेते हैं? 0 से 180 डिग्री तक लेते हैं, ठीक है। थीटा जो होगा हमारा 0 से 180 डिग्री, 0 पर हमने यहां पर इक्वल का साइन बनाया क्योंकि 0 हो सकता है, लेकिन 180 डिग्री पर भी मुझे इक्वल का साइन लगाना चाहिए। हाँ जी, क्या 180 डिग्री पर मुझे इक्वल का साइन लगाना चाहिए? जल्दी बोलो भाई, हाँ या ना? अरे भाई इधर देखो, अब जैसे कि 0 डिग्री क्या है, ये पूरी लाइन 0 डिग्री बना रही है ना? अरे हाँ या ना? यस सर। भाई 0 डिग्री कब होगा? जब दोनों लाइन इसी के ऊपर आ जाए, तो अब हमें क्या पता कि कौन सी लाइन कौन सी है? हमें तो ऐसे ही लग रहा कि एक और लाइन इसी के ऊपर आपने लाइक पुट कर दी, लाइक इसी के ऊपर रख दी ऐसी की ऐसी। तो यही 0 डिग्री भी है और यही 180 डिग्री भी है, राइट? अरे हाँ या ना? यस सर, ठीक है। तो दैट्स व्हाई 180 डिग्री को अलग से काउंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 0 डिग्री बोल रहे हो तो 180 डिग्री कंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। यस सर, ठीक है। तो हमारा जो थीटा होगा वो कहां से कहां तक होगा? 0 से 180 डिग्री तक, ओके। तो अब मुझे बताइए, टेन थीटा इस रेंज में कहां पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। हां जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, क्लियर है? 0 to 90। तो टेन थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है किस किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, क्लियर, ओके। तो मतलब थीटा क्या होगा आपका, थीटा क्या होगा, एक्यूट या फिर ऑब्ट्यूज? एक्यूट, एक्यूट होगा, ओके। तो थीटा अगर आपका एक्यूट है तो आप क्या बोले हुए कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्लियर है? यस सर, ओके। और इसी तरीके से जो है, अब अगर टेन थीटा नेगेटिव है तो थीटा कौन से इसमें होगा? हाँ जी, थर्ड को, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। टेन थीटा जो है वो नेगेटिव है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? आपको इसी रेंज में बताना है, 0 से 180 डिग्री में। सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है नेगेटिव होता है, तो आपका थीटा कैसा होगा? ऑब्ट्यूस। यस सर, है ना। तो भाई इसको थोड़ा सा एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज y इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ बनाते हैं हम, ठीक है, y इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ बनाते हैं। तो y इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है आपका, ओके। तो भाई कहीं पर भी आप देखिए, जैसे कि इस पॉइंट पर आप देखिए, तो इस पॉइंट पर जो है आपका एंगल कैसा बन रहा है टेंजेंट का? एक सेकंड, इस पर आप एक टेंजेंट बनाइए, ठीक है। तो अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो ये एंगल कौन सा बना रहा है? एक्यूट एंगल ही बना रहा है ना? अरे हाँ या ना?
यहाँ पर भी अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो ये टेंजेंट मैंने बना दी, तो ये किस तरीके का एंगल बना रहा है? यहाँ पर भी एक्यूट एंगल ही बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? है ना? अच्छा जी, तो इसपे स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, तो इसी वजह से आपको दिख रहा है ना कि इंक्रीजिंग है, राइट? क्लियर है? तो स्लोप अगर बढ़ रहा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है? क्लियर? और अगर आपका स्लोप अगर घट रहा है तो कौन सा लें? डिक्रीजिंग कोई एक फंक्शन बता दीजिए, लॉग एक्स भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है हमारा, वन अपॉन एक्स का अगर मैं ग्राफ लू जैसे कि, और पॉजिटिव में लू, ठीक है, ये आपका कौन सा ग्राफ है? वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स, ठीक है? कुछ इस तरीके से उसका ग्राफ आता है, ओके? तो अब आप कहीं पर भी बनाइए, भाई यहां पर मैंने टेंजेंट बनाई, ठीक है, तो ये टेंजेंट बनी, तो ये टेंजेंट कितना भी एंगल बना रही है? ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है कि नहीं बना रही है? बना रही है, यस सर। इस एंगल, इस पॉइंट पर बनाइए टेंजेंट, तो ये तो ऑलमोस्ट 180 डिग्री हो गया, हुआ कि नहीं हुआ भाई? हुआ ना? यस सर। यहां पर बना दीजिए भाई, इस जगह पे बनाइए, तो यहां पर भी अगर आप बना रहे हो तो ये भी जो है ऑब्ट्यूज एंगल आ गया आपका, आ रहा है, ठीक है? यस सर, यस सर। तो इसका जो स्लोप है वो डाउन जा रहा है, इसीलिए कौन सा फंक्शन है? ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्लियर? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ओके? ओके, अच्छा जी, तो आई थिंक टाइम हो चुका है हमारा, बाकी की बातें हम कल कर लेंगे, ओके? इसके ऊपर मुझे कुछ एक्चुअली क्वेश्चन करवाने थे, बट इट्स ओके, वो नेक्स्ट इसमें कर लेंगे हम, या फिर अगर आपके पास 2 मिनट का टाइम हो तो हम देख लेंगे जल्दी से, ओके? जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो अगर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, तो भाई बताइए ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है, पक्का इंक्रीजिंग फंक्शन है ये? क्या ये मेनी वन है या वन वन है, क्या है ये? मेनी वन है, राइट? क्योंकि हम यहाँ पर एक से ज्यादा पॉइंट कट कर सकते हैं अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो, राइट? तो ये मेनी वन है, तो ये तो हमने भाई ग्राफिकल मेथड कर दिया, राइट? अगर इसको अब हम डेरिवेटिव की हेल्प से करें तो क्या आएगा? डिवाइड बाय डीएक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा? डिवाइड बाय डीएक्स की वैल्यू क्या आएगी? इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है एक्स स्क्वायर का? 2x. तो मुझे बताओ कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। कुछ बोल नहीं सकते बेटा, अगर x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, है ना? अगर x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर x नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, राइट? तो ये तो नाइदर इंक्रीजिंग है, ये नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है, क्लियर है? इसीलिए ये क्या है? मेनी वन फंक्शन है, इसीलिए क्या है? ये मेनी वन फंक्शन है भाई। अगर ये वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स की बात करूं मैं, तो यहाँ पे चाहे स्लोप आपका डिक्रीज कर रहा हो, लेकिन ये कौन सा फंक्शन है आपका? वन वन है या फिर मेनी वन है? वन वन जी, ये वन वन, ये वन वन क्यों है? क्योंकि आप कहीं पर भी एक लाइन ड्रॉ करिए, ये वहां पर एक ही जगह कट करेगी इसको, क्लियर है? अरे यस सर, ठीक है, इसीलिए वन वन फंक्शन है। अच्छा जी, तो इसी तरीके से वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का अगर हम बात करें तो उसका ग्राफ कैसे आता है? अभी हमने बना के देखा था, तो ये अगर हम बाय जो है ग्राफिकल मेथड जाए तो ये वन वन फंक्शन है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड बाय डीएक्स डेरिवेटिव से फाइंड करें तो डिवाइड बाय डीएक्स कितना आएगा इसका? 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3x, है ना? तो 3x स्क्वायर अगर आ गया तो अब क्या ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ये यहाँ पर जीरो भी होगा, ठीक है। तो बेटा ये
2x मतलब y को 2x स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ये 0 भी है, 0 से बड़ा भी है, 0 से छोटा भी है, ठीक है। एंड dy / dx की अगर बात करूं तो ये 0 भी हो सकता है एंड पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, इसके अलावा 0 या फिर पॉजिटिव, क्लियर है? यस सर है ना। तो मैंने वही बोला था कि अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है किसी पॉइंट पर रुक सकता है, पर वो पॉइंट अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर ये रुक जा रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा है, कॉन्स्टेंट हो गया, बट कितने पॉइंट पर हुआ, कितने पॉइंट पर हुआ, अरे कितने पॉइंट पर 0 हुआ है, एक ही पॉइंट पर 0 हुआ ना। तो अगर सिर्फ एक पॉइंट पर या फिर बहुत सारे पॉइंट है लेकिन वो अलग अलग पॉइंट है, जैसे x इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू 2 हो गया, x इक्वल टू 3 हो गया, मतलब वो लगातार नहीं आ रहे हैं, वो कुछ डिस्टेंस के बाद आ रहे हैं, ऐसे पॉइंट जिस पर की स्लोप 0 हो जा रहा है, तब भी वो कौन सा फंक्शन रहेगा आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, क्लियर है? अरे हाँ या ना, dy / dx यहाँ पर इसका कैसा आया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, 1-1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। अच्छा मुझे एक एग्जांपल आप बता दो या फिर आप ये घर से करके लेके आना। क्या एग्जांपल दो आपको? हाँ जी, y इक्वल टू एक्स प्लस मोड एक्स, ठीक है, ये 1-1 है कि मिनी 1 है, ये आप घर से करके लेकर आओगे, 1-1 और मिनी 1, क्लियर है, और दोनों मेथड से करके आओगे, ठीक है? यस ठीक है भाई, चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है जी, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर।